नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। नीट 2019 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गए थे। अब यह एडमिट कार्ड में आप सभी को यह पता चल गया है कि आपका 2019 का जो एग्जामिनेशन सेंटर है कहां पर है, कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम हुआ है कि उनका एग्ज़ाम सेंटर उनके स्टेट से बाहर है, काफ़ी दूर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यह जानना चाहते हैं कि क्या वह अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करा सकते हैं। तो NTA ने इस पर साफ मना कर दिया है कि वह अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं करा सकते। तो यह न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करना था। एक और चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना है, वो यह है कि आप खुद NTA को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो और उसी वजह से NTA भी मान जाए और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वह चेंज हो जाए। तो ये डिटेल मुझे आपको शेयर करना है कि आप उनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। अब जिनका एग्ज़ाम सेंटर बाहर है उनको एक दिन पहले एडवांस में उस स्टेट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक दिन रहकर वो एग्ज़ाम देकर फिर वापस आना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं कि आप उनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको NTA NEET के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो है ntaneet.nic.in। यहाँ पर आपको ऊपर में यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आपको मिल जाएगा। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क मिलेगा। हेल्प डेस्क में आपका ईमेल आईडी दी हुई है, जो है neet.ug-nat@nic.in, और दो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जो है 8076535482, और दूसरा नंबर है 7703859909। अब ध्यान रखिए कि ये जो नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो हमेशा यूजुअली बिजी रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट उनको कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे। तो आपको मोस्ट लाइकली बहुत बार ट्राई करना होगा, तब जाके आप उनको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो आपकी प्रॉब्लम को सुनकर वो आपके एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज कर दे, लेकिन मोस्ट लाइकली यही है कि आपको एग्ज़ाम जो है बाहर जाकर देना ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।